हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ वेलकिन नेशनल स्कूल वसई ईस्ट। दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर मिस ज्योति सिंह। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ थिंक बिफोर यू स्पीक। नाउ दिस सेंटेंस थिंक बिफोर यू स्पीक इज ऑल्सो अ वैल्यू, अ मॉरल विच वी आर लर्निंग एंड विच वी हैव टू इंकल्केट इन आवर बिहेवियर। So what does this sentence think before you speak says? It means whenever we speak to anybody, we have to think twicely whether the words of our is getting happiness to the other person or it makes another person or the front person sad. Okay? Now I'll explain in Hindi. कि हम जब भी कोई बात करते हैं हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को वो बात कैसी लगती है, अच्छी लगती है या बुरी लगती है। सो दैट इज़ वाई दिस चैप्टर थिंक बिफोर यू स्पीक विल मेक अस अंडरस्टैंड कि हमें बात करने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट द स्टोरी सेज। मैन वॉज मेंट टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। सो व्हाट इट इज़ मीन, क्या कहता है कि जो इंसान है वो कैसे जाने गए हैं, ज़्यादा बोलना और कम सुनना। ओके, लिसन मोर मीन सुनना ज़्यादा और बोलना कम। बट ऐसा होता है, हम सुनते हैं ज़्यादा और बोलते हैं कम। आई डोंट थिंक यू डू इन द क्लास। हम क्लास में भी नहीं करते ना स्टूडेंट्स। यस, दैट इज़ व्हाई एज अ ग्रेट ब्रिटिश स्टेट्समैन बेंजामिन डिज़राइली सेड Nature has endowed men with two ears and one mouth. So what it means? क्या कहा है कि इसी वजह से ब्रिटिश स्टेट्समैन बेंजामिन डिज़राइली ने कहा है कि ये जो प्रकृति है, नेचर है, इस नेचर ने इसीलिए इंसानों को दो कान और एक मुँह दिया है। दो कान क्यों दिया है? टू लिसन मोर। एंड एक मुँह क्यों दिया है? टू स्पीक लेस, टू टॉक लेस। ओके, अगर सपोज दो कान के बजाय दो मुंह होता और एक ही कान होता तो सोचो क्या आतंक मचता, राइट? बट नेचर ने ऐसा नहीं किया है। नेचर इज़ वेरी स्मार्ट, दैट इज़ व्हाई दे हैव गिवन अस टू इयर्स टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। सो नाउ योर टीचर इज़ ओनली टॉकिंग, राइट? एंड माय स्टूडेंट्स, माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, माय स्मार्टीज आर लिसनिंग टू माय स्टोरी विद देयर टू इयर्स, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इट मीन्स नेक्स्ट। Imagine how we would have looked, how strange, with two mouths on the two sides and one ear at the center. Oh my God, the nature has done something ulta pulta. Suppose ऐसा होता कि हमारे ये जो दो कान हैं जो लेफ्ट एंड राइट में होते हैं वो अगर रिप्लेस कर दिया जाता है टू माउथ से, एंड हमारा जहाँ पे माउथ है वहाँ पे ईयर होता, सो कैसे लगते हम? फनी ना? वाई फनी? बिकॉज वी आर नॉट यूज टू ऑफ इट। ओके, हमें कैसे पता होता है कि हमारे पास दो ही कान या एक ही माउथ है? क्यों? क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो हमने वही देखते आते हैं, इसीलिए हमें पता है। एंड दैट इज़ द नेचर्स क्रिएटिविटी। सो क्या ज़्यादा अच्छा है, टू ईयर्स एंड वन माउथ और टू माउथ एंड वन ईयर? येस, आई थिंक वन माउथ इज़ ओके, बिकॉज इन वन माउथ ऑल्सो यू मेक सो मच ऑफ हसल एंड बसल इन माई क्लास रूम, राइट? ओके, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इट इज। एंड माइंड यू द ईयर्स आर लाइक फनल्स, ओपन ऑल द टाइम। नाउ फनल्स मीन्स छन्नी, जो चाय की छन्नी जैसी होती है ना, इसमें वो होल्स होते हैं स्मॉल स्मॉल स्मॉल। सो व्हाट मी व्हाट द ऑथर सेज, ही सेज कि हमारे जो कान है वो एक फनल्स की तरह है, वो छन्नी की तरह है। देर इज़ नो डोर विथ विच यू कैन क्लोज देम। और वो कोई अभी जैसे माउथ है, हम ओपन करते हैं फिर शट करते हैं, बट इट कैन बी अ काइंड ऑफ डोर। बट हमारे कान क्या हम बंद कर सकते हैं? नहीं बंद कर सकते। सो दैट इज़ व्हाई ही सेज कि देर इज़ नो डोर विच यू कैन क्लोज। वेयर एज इफ़ यू हैव टू स्पीक इवन वन सिंगल वर्ड, दैट वर्ड मस्ट पास थ्रू टू वॉल्स टू फेंसेस। लेकिन व्हाट ही सेज कि अगर हमें कोई चीज़ बोलना होता है तो हमारे वर्ड्स को दो पड़ाव, दो स्टेप बढ़ना पड़ता है। एंड व्हाट दैट स्टेप इज़, दो फेंसेज मीन्स दो दीवालों की तरह रहते हैं, वो दो दीवालों को पार करके हमारा वर्ड हमें बोलना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से स्टूडेंट,
अभी स्टूडेंट बोलने के लिए आवाज़ जो कहाँ से आ रही है, मेरे वोकल कॉर्ड से आ रही है, मेरे गले से आ रही है, फिर कहाँ जा रही है, मेरे माउथ में जा रही है, फिर माउथ से लिप्स पे एंड देन लिप्स से बाहर। सो इस तरीके से क्या हो रहा है, वो वन बाय वन जो है प्रोसेस जो है वो जो ऑर्डर है वो बन रहा है। सो हियर इट सेज दिस इज फर्स्टली द फेंस ऑफ द टू रोज ऑफ टीथ। नाउ टू रोज ऑफ टीथ अपर एंड लोअर, हमारा पहले दांत, दांत सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज हम जब भी मुंह खोलते हैं सबसे पहले हमारे दांत दिखाई देते हैं, राइट स्टूडेंट्स? यस। देयर इज सेकेंडली द फेंस ऑफ द टू लिप्स, उसके बाद क्या है हमारे लिप्स। अभी मैंने कहा ना हमारे वर्ड्स जो वोकल कॉर्ड से आते हैं दांत पे जाते हैं, दांत से हमारे लिप्स पे और फिर वो वर्ड्स बाहर जाते हैं। तो सिमिलरली जब भी हमें कोई वर्ड्स बोलने होते हैं वी हैव टू प्रोसीड विद द टू फेंसेज, वी हैव टू गो थ्रू द टू फेंसेज। बिफोर अ वर्ड कैन बी स्पोकन इट हैज़ टू पास, इट हैज़ टू पियर्स थ्रू दिस टू वॉल्स, थ्रू दिस टू फेंसेज। देयरफॉर वी मस्ट थिंक एट लीस्ट ट्वाइस बिफोर वी अटर अ वर्ड। And that is why the author says कि इसीलिए हमें जब भी कोई वर्ड बोलना हो हमें पहले खुद में utter means अपने आप में ही समझना चाहिए फिर उसे बाहर लाना चाहिए। ओके। अ वेरी वाइज मैन वंस रिमार्क दैट ऑफ द अनस्पोकन वर्ड यू आर अ मास्टर ऑफ द स्पोकन वर्ड्स यू आर अ स्लेव। वंस यू हैव स्पोकन अ वर्ड यू कैनॉट गेट इट बैक। Do what you will, therefore you must be careful about the words that you speak. Once the word has left your lips, you will not be able to get it back. So, किसी महान इंसान पुरुष व्यक्ति ने कहा है कि इसीलिए जो इंसान अपने वर्ड्स पे कंट्रोल कर सकता है वो हर चीज़ को कंट्रोल में रख सकता है। बिकॉज़ कोई भी वर्ड हम जब बोलते हैं और एक बार वो हमारे ज़ुबान से निकलती है, हमारे लिप्स के थ्रू बाहर चली जाती है, हम कितनी भी कोशिश कर ले हम उसे वापस नहीं ले पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी रीज़न से हमने हमारे सिस्टर्स को या फिर मदर को कोई ऐसी चीज़ ऐसे बात बोल दी जो मदर को ख़राब लग सकती है, फिर क्या हम उसे वापस ले सकते हैं अपने वर्ड्स को? नहीं। फिर हम क्या कर सकते हैं? हमें से सॉरी फील होता है। इसीलिए एक सज्जन, एक महान व्यक्ति ने कहा है कि कोई भी वर्ड बोलने से पहले आप उसे अपने आप में अटर करो, उसको मतलब सोचो, बड़बड़ाओ अंदर ही अंदर, फिर वो वर्ड्स को बाहर लाओ। डायरेक्टली कुछ जाके ऐसे एक ही बिना सोचे समझे मत बोलो, क्योंकि हमारे वर्ड्स जो निकल जाते हैं मुँह से वो वापस से हम वी कान टेक इट बैक। ओके। What are unspoken words? अब unspoken words क्या होते हैं? They are things you want to say but remains unsaid as thought in your mind. Once you have put the thoughts into words, once the words have left your lips, you cannot change them or control them. So now there are two types of words, spoken words and unspoken words. Unspoken words क्या होता है? जो हमारे ख्यालों में होता है और हमने उसका वर्ड बना लिया है लेकिन उस वर्ड को हमने अपने वोकल कॉर्ड से बाहर नहीं लाया है। सो दैट इज़ योर अनस्पोकन वर्ड्स। और जो वर्ड हमने बाहर ला दिया है वो है स्पोकन वर्ड, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके। अ यंग मैन वेंट टू हिज स्पिरिचुअल टीचर एंड सेड। स्पिरिचुअल टीचर मतलब आध्यात्मिक, जो कहते हैं ना, जहाँ पे जैसे गुरु जी होते हैं, पंडित जी होते हैं, जहाँ पे हम वेद पुराण सीखते हैं, हमारी संस्कृति सीखते हैं, हमारे कल्चर सीखते हैं। सो उस तरीके से स्पिरिचुअल टीचर्स, जैसे कि वैल्यू एजुकेशन टीचर्स होते हैं, रिलीजियस टीचर्स होते हैं, सो दे आर द स्पिरिचुअल टीचर्स। एंड अ यंग मैन वेंट टू हिज, एक व्यक्ति जो है वो अपने स्पिरिचुअल टीचर के पास गया एंड उनसे कहा, आई हैव स्पोकन वेरी हार्श एंड अनकाइंड वर्ड्स टू माई फ्रेंड and he is deeply hurt. I am afraid I have lost my friendship with him. How can I make amends? Now, amend means sudharna. So what he says, spiritual teacher ke paas jaake usse keh rahe the कि मैंने बहुत ही हार्श और बहुत ही अनकाइंड, मतलब बहुत ही बदतमीजी से और बहुत ही गलत वर्ड अपने फ्रेंड्स के लिए बोला है और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत डीपली अंदर से बहुत ही वो दुखी है और मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है हमारी फ्रेंडशिप जो है वो ख़त्म हो जाए, जो कि मुझे ख़त्म करनी नहीं है। तो मैं इसे कैसे सुधारूँ? हाउ कैन आई अमेंड, मीन्स सुधारना, उसे जोड़ना। द वाइज टीचर गेव हिम अ फ्रेश sheet of blank paper and a pen. He said to the young man,
और फिर टीचर ने बहुत सोचा, सोचने के बाद उसने क्या किया, एक वाइट शीट, वाइट ब्लैंक पेपर, जैसे सपोज अकोरा कागज़, ठीक है, एक पेपर वो स्टूडेंट को दिया और साथ में एक पेन दिया और उनसे कहा, क्या कहा सोचो, राइट डाउन ऑन दिस पेपर ऑल द हार्श थिंग्स यू सेड टू हिम। सो टीचर ने क्या कहा था कि जितने भी आपने हार्श, मतलब जो बदतमीजी से बात की है, जो बैड वर्ड्स बोले हो, जो उसे खराब लगा है, वो इस सब कुछ इस पेपर पे लिख दो। द यंग मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड एंड शोड हिम शोड द पेपर टू द टीचर। फिर यंग मैन ने क्या किया, जैसे जैसे उसकी टीचर ने उसे कहा, जितने सारे वर्ड्स जो हार्श वर्ड्स थे, जो बैड वर्ड्स थे, जो उसने बोले थे अपने फ्रेंड के लिए, वो सारा उसने पेपर पे लिख दिया। नाउ टेयर अप दिस शीट ऑफ पेपर इनटू एज मैनी स्मॉल बिट्स एज यू कैन, बिट्स मीन्स टुकड़ा, द वाइस टीचर सेड। सो टीचर ने क्या कहा कि अब इस पेपर को आप इतना छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ो, टेयर करो, ठीक है, जितना आप कर सकते हो। सून द सिंगल शीट वॉज टोर्न इंटू 100 टाइनी बिट्स ऑफ पेपर सी। फिर क्या हो गया, वो इतना बड़ा सा A4 साइज के पेपर को उसने इतने छोटे 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 टुकड़े में फाड़ दिया कि वो एक सिंगल शीट से 100 बिट्स ऑफ पेपर में कन्वर्ट हो गए। थ्रो द बिट्स आउट ऑफ दिस विंडो द टीचर टोल्ड हिम एंड देन व्हाट शी एडवाइज्ड, उसने क्या कहा, इंस्ट्रक्शन दिया है कि अब इस पेपर को आप खिड़की के बाहर फेंक दो। दैट वॉज ईजिली डन, वो बहुत ही आसानी से हो गया ना, हम कोई भी चीज़ फेंकना चाहते हैं तो बहुत जल्दी फेंक देते हैं, राइट, लेकिन अगर वही चीज़ हमें करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, तो इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम एज वेल एज पेन। सो वॉट दस्ट बॉय हैज डिड, ही हैज़ रिटन ऑल दी हार्श वर्ड इन द पेपर एंड देन ही टोर दैट पेपर इंटू डिफरेंट मैनी स्मॉल बिट्स एंड देन ही थ्रू दैट पेपर आउटसाइड द विंडो एंड वो बहुत ही आसानी से, दैट वॉज ईजिली डन बाय हिम। इट वॉज अ विंडी डे एंड द टाइनी बिट्स वर स्कैटर्ड फार एंड वाइड इवन एज द यंग मैन वॉच्ड। और वो मौसम जो था विंडी था, मतलब हवा का मौसम था, सो जैसे उसने खिड़की के बाहर वो पेपर्स फेंके, वो सब स्कैटर्ड, मतलब तिथर बिथर इधर उधर जो है वो सारे उड़ गए। नाउ गो आउट इन टू द स्ट्रीट एंड कलेक्ट एज मैनी बिट्स ऑफ द पेपर एज यू कैन। और फिर बाद में टीचर ने उसे इंस्ट्रक्ट किया कि अब जाके वो सारे पेपर जो तुमने बाहर फेंके हैं, जो स्मॉल बिट्स हैं पेपर्स के, जो टुकड़े हैं, वो वहाँ से कलेक्ट करके लाओ जितने भी तुम कर सकते हो। द यंग मैन वॉज टेकन अ बैक, बट दैट विल बी डिफिकल्ट, ही स्टैमर्ड, स्टैमर्ड मीन्स रुक रुक के बोलना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ हम बाहर फेंक दिए हैं वो तो हवा में उड़ गए, एक भी तो हमें मिलेगी नहीं। सो दैट इज़ वाई द यंग मैन सेड कि मैं कैसे वापस लाऊँ, बट ऐसे करते, इट विल बी डिफिकल्ट इनडीड, इनडीड मीन्स वर्क, बट डू गिव इट अ ट्राई द टीचर सजेस्टेड। सो टीचर ने कहा कि मुझे पता है बहुत ही मुश्किल है, बट फिर भी आप एक कोशिश तो करके देखो। द यंग मैन वेंट आउट, ही रिटर्न्ड हाफ एन आवर लेटर एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ। और जो यंग मैन है वो आधे घंटे के बाद आया बहुत ही थका हुआ। ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट होल्ड ऑफ अ सिंगल टोन बिट फ्रॉम द पेपर ही हैड टोन ऑफ जस्ट अ वाइल अर्लियर। एंड वॉट द सेंटेंस मीन्स कि उसने जितना भी, जितने जल्दी से वो पेपर, एक बड़े पेपर को, एक ब्लैंक पेपर को, एक A4 साइज के पेपर को 100 पीसेस में कर दिए थे, वो उसमें से एक भी पीस ऑफ जो टोन पेपर था वो उसे नहीं मिला, जो उसने इतनी जल्दी झटके से उसने तो फाड़ दिया ना, उसने लिखा और फाड़ दिया। सो वॉट डज इट मीन स्टूडेंट्स, यू नो, यस, वी विल लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, दिस इज वॉट हैपन्स विद द स्पोकन वर्ड्स। सो वॉट द टीचर वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज कि यही होता है हमारे स्पोकन वर्ड से, हम बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, झट से बोल देते हैं, और फिर क्या हम उसे वापस ले सकते हैं, नहीं, वो पेपर की तरह एक बार खिड़की के बाहर चला गया तो हम कितनी भी कोशिश करें तो उसमें से एक छोटा टुकड़ा भी पेपर का हम वापस नहीं ले सकते हैं। और वैसे ही हमारे वर्ड्स के साथ भी होता है, वर्ड्स अगर हमारे फेंसेस के थ्रू, हमारे लिप्स एंड टीथ के थ्रू बाहर चला गया तो हम उसे वो वापस नहीं ले सकते हैं।
Once you have spoken the words aloud, it is very difficult to take them back. Therefore, learn to think before you speak in anger. और इसीलिए टीचर ने क्या एडवाइस किया कि जब आप गुस्से में होते हो तो आपको सोच के ही बोलना चाहिए, और यही चीज़ हमें सीखनी है, यही चीज़ हमें क्या करनी है, लर्न करनी है. वी हैव टू थिंक बिफोर वी स्पीक इन एंगर. हम जब खुशी में होते हैं तो कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते, और गुस्से में होते हैं तो हम कोई वर्ड्स नहीं बोल सकते, क्योंकि खुशी में हमारा इमोशंस इतनी ज़्यादा होते हैं कि हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ऐसा कुछ प्रॉमिस कर देते हैं जो कि हम कभी भी कमिट नहीं कर सकते, मतलब फुलफिल नहीं कर सकते. और एंगर में होते हैं तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. ओके, सो व्हाट दिस स्टोरी एक्सप्लेन्स, व्हाट दिस स्टोरी कन्वेज द मॉरल वैल्यू, दैट वी शुड थिंक बिफोर वी स्पीक इन एंगर. नाउ देयर इज अ पर्सन नेम सोक्रेट्स. सो अभी इनकी भी देख लेते हैं, इन्होंने कुछ एडवाइस दिया है. Socrates was one of the wisest men of the ancient world. Many were the youths whose lives he influenced for the better. अब Socrates जो है वो बहुत ही एक होशियार और विद्वान थे, और उन्हीं के rules and disciplines पे बहुत सारे लोग जो हैं अपनी life को क्या कर रहे थे, सुधार रहे थे और जी रहे थे. Socrates counseled his disciples to keep their mouth shut and speak only when absolutely necessary. Now Socrates counseled. Counsel means guide. वो गाइड करते थे अपने भक्तों को, अपने जो फॉलोअर्स को, कि तभी ही मुँह खोलो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वो चीज़ बोलने की. Otherwise don't open your mouth. Keep it shut only. Oh wise man, how may we know when it is right to speak? They asked him. अब अगर कोई बोलेगा कि बस आपको मुंह बंद करके रखना है और जब नेसेसरी है तभी बोलना है, सो एक पर्सन थे, एक यंग मैन है, उन्होंने बोला कि फिर आप बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब सही समय है बोलने का, व्हेन इट इज़ राइट टू स्पीक. सो व्हाट ही सेज, ओपन योर माउथ टू स्पीक ओनली आफ्टर यू हैव आस्क्ड योर सेल्फ 3 questions एंड रिसीव्ड एन अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव answer to each of the 3, replied Socrates. So what Socrates said, कि आप अपने खुद जब आपको ना पता चले कि कब मुँह खोलना है, कब बोलना है, आप अपने आप से 3 question करो, और इन रिटर्न आपको उसका आंसर पॉजिटिव में मिले तभी सही समय है मुँह खोलने का और कुछ बोलने का. And what was the 3 questions? So we will learn the first question first. The first question we must ask ourselves before we speak is it true? So सबसे पहला जो सीख है, जो सबसे पहला question क्या है, is it true? क्या ये सच है? If you are not sure about the veracity of what we are saying, it is better that we do not utter a word. When we utter words carelessly, we ourselves becomes transmitters of untruth. सो वट डज़ इट मीन्स, कि हमें तभी मुँह खोलना चाहिए जब हम अपने आप से एक सवाल करें कि क्या ये सच है. अगर हमने कोई वर्ड्स अपने दिमाग में रखा है और उसको एक वर्ड दे दिया है, एक सेंटेंस दे दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा. और अगर वो वर्ड सही नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से कि मेरी फ्रेंड जो है वो पुअर है, सो मतलब उसके वो इंटेलिजेंट नहीं है या पुअर है या एनी ऑफ द थिंग विच यू कैन. सो ये जानने से पहले कि सच में ऐसा है या नहीं है, अगर हम ये चीज़ बोल देते हैं तो हम क्या है, हम झूठ के भागीदार हो जाते हैं और वही चीज़ आगे कन्वे होती रहेगी. तो कोई भी चीज़ बोलने से पहले उसकी वेरासिटी, उसकी इंटेंसिटी, उसका जो सच है वो जानो, और अपने आप से पूछो कि ये सच है या नहीं, तब उस चीज़ को आप बोलो. The second question to ask is it pleasant? क्या ये सही है बोलना या नहीं. For example, अगर कोई situation है जहाँ पे आपका जो situation है वो बहुत ही sad है, और आप अपना कोई good news देने जा रहे हो, तो उस time पे आपका words अच्छा नहीं लगेगा. Why? Because every words needs a situation.
अगर सिचुएशन अच्छी है तो आप अच्छी बातें बोलो, अगर सिचुएशन थोड़ी सैड है, परेशानी है, तो उसमें आप हैप्पी दिखा के वो कैसे हो जाएगा ना कि आप उनके दुख को बढ़ा रहे हो। सो इसीलिए अपने आप से एक क्वेश्चन ये भी करो, इज़ इट प्लेजेंट, क्या ये सही है। मैनी आर द एम्प्टी रिमार्क्स एंड वेन स्टेटमेंट्स दैट पीपल मेक एन आइडलनेस टू हर्ट अदर्स, इट इज़ बेटर दैट दिस अनप्रेजेंट वर्ड्स रिमेन अनस्पोकन। और इसीलिए हमें कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ये बहुत ही जेलेसियस है, ये ऐसी है, ये सब चीज़ें ना हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, लोगों को सिर्फ दुख मिलेगा और कुछ नहीं। एंड थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सोक्रेट इज़ इट यूजफुल, क्या ये बोलना ज़रूरी है, इससे कोई मतलब निकलेगा, इसका यूज़ है अननेसेसरी क्यों बोलने का। इज़ आवर स्टेटमेंट गोइंग टू बेनिफिट द लिसनर, जो हमारी बातें सुन रहा है इससे इसे कोई फ़ायदा है। फॉर एग्जाम्पल मी एंड माई फ्रेंड आर टॉकिंग, और हम पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, पढ़ाई की बातें करते करते सडनली मैंने अपने किसी रिलेटिव्स की बात कर दी। अब मेरे रिलेटिव्स का मेरे फ्रेंड से क्या रिलेशन है, अननेसेसरी मैं उसे ये सब स्टोरीज क्यों बताऊँ। सो इन द सेम वे सोक्रेट सेट्स कि हमें बोलने से पहले ये देखना चाहिए कि वो बातें लिसनर के यूज़ में है या बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए हम वो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो इज़ आवर स्टेटमेंट गोइंग टू बेनिफिट द लिसनर, विल आवर वर्ड्स ब्रिंग कम्फर्ट टू समवन, आर वी लाइकली टू हेल्प समवन विद व्हाट वी से, ओनली इन दैट केस शुड वी गो अहेड एंड स्पीक। सो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस विच यू हैव टू आस्क योरसेल्फ बिफोर स्पीकिंग एनी वर्ड्स। एंड व्हाट आर द थ्री क्वेश्चंस, इज इट ट्रू, इज इट प्लेजेंट, इज इट यूजफुल, क्या ये सही है, क्या ये मतलब बोलना सही है, क्या ये सच है, क्या ये सही है, और क्या ये यूज़फुल है, काम लायक है या नहीं। ये तीन सवाल अपने आप से करने के बाद ही आप अपने क्वेश्चंस को सामने वालों के सामने पोस्ट करो या अपनी बातें बोलो। एंड दैट इज़ व्हाई दिस चैप्टर थिंक बिफोर यू स्पीक एक्सप्लेन्स अस टू थिंक ट्वाइसली बिफोर सेइंग एनी वर्ड। ओके, सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न अबाउट द वर्ड्स, there are two types of word and which are they, spoken words and unspoken words, and what are that yours are like, what yours are like a funnel, छन्नी की तरह होते हैं। secondly हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो words है वो two fences को पार करके, and what are the two walls, the two fences, the first fence is our teeth, two sides of the teeth, and the second one is our two sides of the lips. I hope students you have understood this chapter, think before you use ki speak, you have to read this chapter and do make questions as many as you can so that you can easily attempt your class test. Okay, have a good day students, bye bye.